दिस वीडियो इज़ फॉर सिक्स स्टैंडर्ड हु इज़ ग्रेटेस्ट 1.2। आज हम सेकेंड लेसन देखेंगे 1.2 हु इज़ ग्रेटेस्ट, मतलब कि कौन महान है। ठीक है, देखते लास्ट में कंक्लूजन में क्या निकलता है कि कौन ग्रेटेस्ट है। एम्परर अकबर लिख रहे हैं, एम्परर अकबर और अकबर इज़ द ग्रेट नोन एज द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड नॉट जस्ट बिकॉज ही हैज़ वास्ट एम्पायर। अकबर जो है उनको किस लिए जाना जाता था, नोन एज जाना जाता था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो वर्ल्ड में क्या थे, एक अच्छे ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। नॉट जस्ट बिकॉज ही वॉज वास्ट एम्पायर, इसलिए नहीं कि सिर्फ उनके पास वास्ट एम्पायर था, उनकी जो आर्मी है वो बहुत स्ट्रांग है, अनटोल्ड वेल्थ था, बट बिकॉज इसलिए भी क्योंकि वो क्या थे, ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग। कैसे थे, गुड ह्यूमन बींग, ही केयर फॉर हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट के लिए बहुत केयर करते थे। ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर राइटर पोएट आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। यहाँ पे उनके यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स थे वो सबको क्या करते थे, रिस्पेक्ट, मतलब कि जो भी स्कॉलर्स है, राइटर है, ठीक है, पंडित थे, राइटर थे, पोएट आर्टिस्ट जो भी आता था सबका। ही वॉज पार्टन ऑफ एन आर्ट कल्चर, क्या थे, पार्टन ऑफ आर्ट कल्चर। आपको लास्ट में इसका मीनिंग दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि सपोर्ट करना अगर कोई आर्ट करता है उसके लिए। द नाइन जेम और नौरत्न इन हिज कोर्ट वर फेमस, उनके कोर्ट में जो नौ जेम्स थे, नौ लोग थे, नौरत्न, वो क्या थे, उसके वजह से फेमस थे। मैनी पीपल बिलीव दैट ऑफ दिस नाइन जेम्स, वो लोगों को बहुत ही विश्वास था इन नाइन जेम्स पे, नौ लोगों पे। बट जब बिरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट, लेकिन जो बिरबल थे वो क्या थे, क्लोजेस्ट द एम्परर हार्ट, उनके दिल के बहुत करीब थे। अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम इन हिज कोर्ट, वो अपने कोर्ट में अकबर क्या करते थे, हमेशा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और प्रॉब्लम लेके आते थे। और बिरबल नेवर फेल टू कम अप विथ वन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर, और बिरबल हर बार वो क्वेश्चन का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या करते थे, आंसर देते थे। देखो, वी डोंट नो वेदर ऑल द अकबर एंड बिरबल स्टोरी दैट वी हर्ड टूडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री, दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन मेनली बाय द वर्ड ऑफ माउथ, हियर आर ऑफ टू ऑफ देम। हम लोग को पता है, हम लोग को ये नहीं पता, वी डोंट नो, हमको नहीं पता कि जो अकबर और बिरबल की स्टोरी है जो हम आज पढ़ते हैं वो हिस्ट्री में है कि नहीं, बट हम लोगों ने क्या किया है, वो रियल में हिस्ट्री में थी या नहीं, बट हम लोगों ने जैसे सुना है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, जैसे हमारे दादा परदादा हमको सुनाते थे, तो हम लोग ने क्या किया है, वो स्टोरी सुनी और इसी में से आज हम लोग ये दो स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। वन डे फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट होता है, ठीक है, द एम्परर एंटर्ड कोर्ट विथ हिज वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। तो एक दिन क्या होता है, जो एम्परर अकबर है वो कोर्ट में एंटर करते हैं, उनके फेस पे बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन होता है। एज सून एज ही वॉज सीटेड, वो जैसे ही बैठते हैं वो बोलते हैं, आई हैव क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास आप सबके लिए क्या है, क्वेश्चन है। वॉट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल माई मुस्टेज, उनके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, जो मेरा क्या करेगा, जो मुस्टेज है मतलब कि मूंछ है, अगर उसको क्या करता है, पुल करता है, दैट मीन्स खींचता है। द कोर्ट वॉज स्टर्न, पुल द एम्परर मुस्टेज वॉज अनहर्ड ऑफ, तो सब लोग क्या कैसे हो जाते हैं, एकदम स्टर्न कोर्ट, मतलब सब कैसे हो जाते हैं, एकदम शॉक में हो जाते हैं, बोलते हैं कि यह कौन कर सकता है, इतनी हिम्मत किसकी है जो क्या कर सकता है, एम्परर का मुस्टेज पुल करेगा। फ्लॉग हिम गिव हिम 50 लैशेस ऑफ वाइव एक्सप्लेनिंग द वन नोबल मैन, तो उसको बोलते हैं फ्लॉग करना। फ्लॉग का मीनिंग आपको लास्ट पेज पे दिया है, मतलब कि किसी को बहुत ज़ोर से मारना, बीट समवन हार्डली, ठीक है। गिव हिम 50 लैशेस, उसको 50 कोड़े मारने चाहिए, ठीक है, एक नोबलमैन बोलता है। दैट्स नॉट इनफ, तो इसमें से एक दूसरा बोलता है कि ये काफ़ी नहीं होगा। पुल हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, हमको तो उसको जेल में रखना चाहिए जिसने अकबर राजा की क्या की है, मूंछें खींची है, विदाउट फूड एंड वाटर, जहाँ पर उसको पानी और खाना कुछ ना मिले। Whip him, beat him up, hang. Whip him, beat him, hang him. बोलता है उसको मारो, पीटो, लटकाओ, कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड, उस जिन हाथों ने ये गुस्ताखी की है उनको कट कर दो। द एजिएटेड कर्टियर बिगेन टू,
एजिएटेड मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब। तो जो डिस्टर्ब करते हैं वो लोग क्या होते हैं, क्राई आउट, मतलब सब चिल्लाने लगते हैं ऐसा करो वैसा करो। सिर्फ जो बिरबल है, ओनली बिरबल वॉज साइलेंट। सिर्फ कौन साइलेंट था? बिरबल। ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल। वो क्या कर रहे थे? थोड़ा सा स्माइल कर रहे थे। वॉट डू यू से बिरबल, वॉट इज़ योर ओपिनियन, कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है? माई ओपिनियन ओवर गिवर अ पीस ऑफ द वर्ल्ड ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमेट्स। तो फिर जो अकबर है क्या बोलता है कि जिसने भी ये किया है, जो ऑफेंडर है, ठीक है, जिसने ये गलती की है, उसको क्या मिलना चाहिए? उसका फेवरेट स्वीट मेट, मतलब कि उसकी फेवरेट मिठाई खाने को मिलनी चाहिए। तो राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उसको कोई बोलता है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? गिव स्वीट मेट फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस। जो लोग इतना ग्रेव ऑफेंस किए हम उनको मिठाई खिलाएंगे। द कॉर्टियर बिगेन टू से, लोग बोलना स्टार्ट करते, बिरबल स्माइल करते हैं और फिर अपना ऑफर एंड एक्सप्लेनेशन, फिर पूरे चीज़ों को एक्सप्लेन करते, बोलते हैं हाँ यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर मुस्टेज। इतनी हिम्मत किसकी होगी जो एम्परर का क्या कर सकता है, जो मुस्टेज है उसको पुल कर सकता है? ओनली हिज ओन गर्सन, सिर्फ उनके खुद के ग्रैंड सन। वैन अकबर हियर दिस, और जैसे ही जो राजा अकबर है, ठीक है, एम्परर, वो सुनते हैं, ही बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग, और फिर वो क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट हैड हैपन इन द मॉर्निंग, क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था कि उनके ग्रैंडसन ने क्या किया था, उनका जो मुस्टेज है वो पुल किया था। और इस बात को कौन समझ गया? बिरबल, क्योंकि बिरबल क्या था, बहुत ही सिंसियर था। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टोरी एंड हो गया, शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है, स्टार्ट करें। ऑन द अनदर ओकेशन अकबर वॉज रिलैक्सिंग विथ सम ऑफ हिज कॉर्टियर्स। तो वहाँ पे जो कॉर्टियर्स थे उनके साथ अकबर क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। फ्यू ऑफ देम, उसमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, थॉट, मतलब सोच रहे थे, ही वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी, हमारे पास ये अच्छा मौका है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बिरबल तो था नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, शोवर प्रेज ऑन द एम्परर, एम्परर को हम लोग क्या करें, कुछ उससे जो प्रेज है उसकी अच्छाई उसके सामने बोले और हम लोगों को उसका फेवर मिल जाएगा। दे बिगेन टू कम्पीट ईच अदर बाय प्रेजिंग अकबर, अकबर को प्रेज करते, दैट मीन्स कि उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग, आप राजाओं में सबसे महान राजा है। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग और एम्परर दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ। फिर कोई बोलता है कि दूसरा जो है कॉर्टियर बोलता है कि आप तो महान राजा है, साथ में आप एक ऐसे एम्परर है जो इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, जो कि बहुत ही क्या है, महान है, ग्रेटेस्ट है। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पीपल इन हेवन और अर्थ, बोलते हैं कि जो पीपल हेवन में है और जो अर्थ है, आप दोनों में से क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट है। यू आर द ग्रेटेस्ट गोल्ड एलमाइटी, तो फिर उसमें से एक बोल रहा है कि आप तो एकदम भगवान की तरह, गॉड की जैसे शक्तिशाली है। यू आर द ग्रेटर देन गॉड, फिर उसमें से एक महान आदमी आता है, बोलता है कि ग्रेटर देन द गॉड, मतलब कि तुम भगवान से भी ज़्यादा ग्रेटर हो। ठीक है, नाउ अकबर वॉज नो फूल, देखो अब अकबर तो फूल है नहीं, पागल है नहीं। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज, और वो क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि ये लोग सब फॉल्स, मतलब कि झूठे झूठे फ्रेज उसके लिए बोल रहे हैं। ही स्टॉप द कॉर्टियर एंड आस्क, वो कॉर्टियर को रोकता है और बोलता है डू यू ऑल बिलीव सो, तुम लोगों को ऐसा लगता है? येस दे आंसर द इन वन वॉइस, सब साथ में बोलते हैं हाँ हाँ हमको लगता है आप तो गॉड से भी ज़्यादा वो हो। ऑल राइट, बोलते हैं ठीक है, देन प्रूव इट टू मी, मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ, टेल मी एटलीस्ट वन थिंग दैट कैन आई डू, बोलता है कि मुझे ऐसी एक चीज़ बताओ जो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, बट गॉड एलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू, लेकिन वो भगवान नहीं कर सकेंगे। अदरवाइज यू विल बी ऑल इनकर अवर रॉयल डिस्प्लेजर एंड हैव टिल टमोरो मॉर्निंग टू प्रूव इट, नहीं तो मैं तुम सबको इनकर मतलब कि यहाँ से निकाल दूंगा ये रॉयल प्लेजर रॉयल एम्परर से, और आपको कब तक का टाइम है, टिल टमोरो मॉर्निंग टू प्रूव इट। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस, और अकबर वहाँ से चले जाते हैं विदाउट
लुक एट द कॉर्टियर को देखते भी नहीं और चले जाते, दे और इन प्रॉपर फिक्स। प्रॉपर फिक्स का मीनिंग आपको पीछे दिया, मैं लास्ट में दिखा दूंगी क्या है यहाँ पे, मतलब कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो वो सब लोग दे वर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, दे थाट एंड थाट कूडेंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग। वो लोग सोचते कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो अकबर कर सकते हैं, गॉड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन द एंड लास्ट में क्या होता है, दे वेंट टू बीरबल, वो बीरबल के पास जाते हैं, क्योंकि बीरबल एक ऐसा है जिसके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है। व्हेन बीरबल हर्ड देयर स्टोरी, और जब बीरबल उनकी पूरी स्टोरी सुनते हैं, ही टोल्ड देम नॉट टू वरी, बोलते हैं कि टेंशन मतलब मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, कोर्ट वॉज फुल, सब बैठे होते हैं, एवरी वन वॉज करियस टू सी वॉट विल हैपन नेक्स्ट, सब सोच रहे होंगे अब आगे क्या होगा। वेल सेट द एम्परर, एम्परर बोलते हैं हैव यू फाउंड अ गुड आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का अच्छा आंसर लेके आए हो, और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, या फिर मेरे कोर्ट को फॉर एवर मतलब हमेशा छोड़ के जाने के लिए रेडी हो। जस्ट द बीरबल स्टेप फॉरवर्ड एंड बोलो, तो फिर जो बीरबल है वो स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे आते हैं और उनको आदाब करते हैं, बोलते प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद दोस हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट, बोलते उनके ऊपर गुस्सा मत कीजिए, एंग्री मत होइए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप क्या हैं, ग्रेटेस्ट हैं। ठीक है, देर इज़ अ सर्टेनली एट लीस्ट वन थिंग दैट यू कैन डू बट द गॉड एलमाइटी कैन नॉट, बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसी एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं लेकिन वो गॉड नहीं कर सकते हैं। अकबर लुक एट बीरबल थॉटफुली, और फिर वो अकबर खुद उसको थॉटफुली देखने सुनता है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन गॉड नहीं कर सकते, एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग, फिर पूछते हैं वो वन थिंग क्या है। व्हेन यू वांट टू पनिश समवन, तो फिर बीरबल बोल रहा है जब आपको किसी को पनिश करना रहता है, पनिश समवन, यू कैन बैनिश दैट पर्सन, आप उसको क्या कर सकते हो, बैनिश कर सकते हो, बैनिश मतलब कि उसको निकाल सकते हो। यू कैन थ्रो हिम, आप उसको कहीं पे भी, थ्रो मतलब फेंक देना, आप उसको थ्रो हिम ऑफ योर किंगडम, आप अपने किंगडम से निकाल के बाहर फेंक दोगे, बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड एवरीवेयर, लेकिन जो गॉड है उनका किंगडम, उनका किंगडम मतलब राज्य, उनका वो भी राजा है लेकिन उनका ये पूरा जो अर्थ है वो क्या है, उनका किंगडम है। तो जो गॉड है एलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनी वन फ्रॉम हिज किंगडम, जो गॉड है वो किसी को भी बैनिश अपने किंगडम से नहीं कर सकते, बैनिश मतलब अपने किंगडम से निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो पूरा अर्थ है वो पूरा अर्थ किसका किंगडम है, गॉड का, तो गॉड किसी को भी बैनिश नहीं कर सकते। अकबर फेस वॉश लीड अप विथ अ स्माइल, और फिर अकबर के फेस पे क्या होता है, स्माइल आ जाता है। दैट वॉज वेरी क्लेवर बीरबल, बोलते कि बीरबल ये बहुत ही क्लेवर आंसर था, वाइल शोइंग नाउ आई हैव एन एडवांटेज, फिर बोलते कि जब मैं अभी तुमको कुछ एडवांटेज बताता, हाउ आई हैव एन एडवांटेज, यू हैव ऑल्सो शो द गॉड इज ग्रेटर, आई बिलीव यू, फिर बोलते और तुमने ये भी दिखा दिया, क्या दिखा दिया, यू ऑल्सो शो दैट गॉड इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है, गॉड, क्योंकि गॉड किसी को भी अपने किंगडम से बाहर नहीं निकालता, चाहे हम कितनी भी गलती करते हैं, कितनी भी गलती करते हैं, कितने भी मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन गॉड हमको कभी भी बैनिश नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो हमारे यहाँ पे अभी देखो किंग्स तो होते नहीं हैं, मतलब कि एम्परर नहीं होते, लेकिन एम्परर की जगह पे कौन है, पुलिस है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस क्या करती है, अगर हम कुछ भी करते हैं गलत तो हमको क्या करते हैं, निकाल हमको है, अब यहाँ से निकाल के जेल में डाल देते हैं। तो पहले जो किंगडम जो भी अपने एम्परर थे वो क्या करते थे, अपने किंगडम से ही निकाल देते थे, लेकिन गॉड एक ऐसे एम्परर, एक ऐसा राजा है जो कभी भी अपने जो पर्सन है उनको कभी भी बैनिश नहीं करते, चाहे कितनी भी गलती करे। तो इसलिए गॉड को यहाँ पे क्या बोला है, गॉड इज़ ग्रेटर, कौन ग्रेटर है, आई बिलीव यू, मुझे तुम पे विश्वास है। अकबर वॉज सो प्लीज विद द आंसर, और फिर ये आंसर से जो अकबर है बहुत ही खुश होते हैं, एंड ही फॉरगेव द कॉर्टियर फॉर देयर स्टूपिडिटी, और जो कॉर्टियर ने स्टूपिडिटी की थी ऐसे क्वेश्चन करके कि आप भगवान से महान है, वो सब भूल जाते और उनको अपने कोर्ट से नहीं निकालते। ठीक है, देखो लास्ट में यहाँ पे आपको जो मैंने मीनिंग्स बताई थी,
वो यहाँ पे है और आपको होमवर्क में लिखकर दूँगी।